क्या लगता है 2024 इलेक्शन में क्या होगा? आप भी पॉलिटिक्स फॉलो ही करते होगे, इन जनरली रोज करते होगे। जनता को तय करना है। देखो अभी तो बहुत सारे और भी स्टेट्स में हैं इलेक्शन। हाँ हाँ, उससे पहले मध्य प्रदेश आप कहीं फाइट कर रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम लोग फाइट करेंगे। बहुत बढ़िया, और पार्टी बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। देखो क्योंकि अभी तो मीडिया सिर्फ मुझे दिखाते हैं, उन लोगों को नहीं दिखाते, लेकिन सच ये है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत मेहनत जा रही है और बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों, छत्तीसगढ़ से भी, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान से ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और उम्मीद लेवल पे काम किया गया। हाँ, उम्मीद है हम अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। सत्ता की जो चाबी है, जो आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर रिजल्ट जो है, जिसके जरिए सत्ता बनेगी, सरकार बनेगी, वो चाबी हमारे हाथ में रहने वाली दोनों स्टेट में। अच्छा, हम इतना वोट ऑफ मार्जिन परसेंटेज जो है और इतनी सीटें जो है हम लोग लेके आ जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है वहाँ के कार्यकर्ता और नेताओं के मेहनत पे। अच्छा, कि हमारे जरिए सरकार बनेगी। तो जब हमारे जरिए मतलब सरकार, काफी बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब इट्स अ न्यू, यू आर अ न्यू एंट्रेंट पार्टी, और जाके मतलब ये क्लेम करना कि हम चीज़ों को चेंज करेंगे, मतलब काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट के, मैं स्टेटमेंट हवा में नहीं देता हूँ। जैसे अभी 21 तारीख को हमारी रैली है, एक प्रदर्शन है हमारा एमपी में, नहीं यहीं पे दिल्ली, अच्छा, दिल्ली जंतर मंतर पे। ओके, और वो प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि ये जो हमला है, ये एक हमला है, लेकिन सरकार और भी हमले कर रही है। सरकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स द्वारा विपक्ष पे हमले कर रही है। सरकार इस तरह के कानून ला किसानों पे, अल्पसंख्यकों पे हमले कर रही है। सरकार जो है झूठे मुकदमे लगा के एक्टिविस्टों पे, पत्रकारों पे हमले कर रही है। इन सब हमलों के खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट जो है ना कॉल किया 21 तारीख को, 21 जुलाई 2023 जंतर मंतर पे सुबह 11 बजे। और मुझे, मेरा विश्वास है, हमेशा की तरह जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक ला खड़ा के दिया, वो फिर मेरे मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने सीमित साधनों से दिल्ली आएंगे और दिल्ली की सरकार को एहसास कराएंगे कि इन गोलियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना ही किस तरह के मुकदमे या किसी भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।